मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूँ जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. पता नहीं सब क्या करते रहते हैं, सब सामान खराब हो जाता है, रखे रखे सब. क्या हो गया मनु भैया? अरे भैया, अरे गुड मॉर्निंग. ये देखिए, ये सामान सब खराब हो गया. कितने दिन से देख रहे हैं, रखा हुआ है, सूख गया, खराब हो गया. क्यों खराब क्यों हो गया? रखे रखे खराब हो गया, फेंकने जा. नहीं नहीं, ऐसे मत फेंकिए मनु भाई, मैं देख रहा हूँ एक मिनट आके. अरे भैया ये सब. नहीं नहीं, फेंकिए मत. अरे भैया ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है. लाइए दिखाइए क्या है. ये देखिए भैया, देखिए सब खराब हो गया है, ये देखिए ना मनु भाई. हाँ, क्या पता क्या रुपये किलो है? नहीं, 30,000 रुपये किलो है. गुच्छी है ये, 30,000 रुपये किलो. 30,000 लोगों को ढूंढने से नहीं मिलती है ये. हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है, ऐसे मत फेंका करिए आप. अभी ये दे दीजिए. और क्या फेंकने जा रहे हैं? अरे ये वाला, ये लो फेंक देना. फेंक दीजिए मनु भाई. आगे से कुछ फेंकने से पहले दिखा दिया करिए. हम नहीं को दिखा देंगे, लेकिन भैया एक चीज ध्यान रखिए भैया, एक 1,00,000 का सामान है, 30,000 का सामान ऐसे मत रखा कीजिए, कहीं छिपा उपा कर रखें. हमें थोड़ी ना पता है आप हर चीज फेंक देंगे. अरे भैया, अरे किधर जा रहा हूँ यार, इधर जाना है, चला जा रहा हूँ. बताइए, गुच्छी फेंक रहे थे. मैं लोगों की जिंदगी निकल जाती है अच्छी गुच्छी ढूंढने में. बट पर्सनली आई एम वेरी फैसिनेटेड, यू नो व्हाई? बिकॉज एक ऐसी चीज जिसे आप जितना मर्जी कोशिश कर ले उगा नहीं सकते. जब उगेगी अपनी मर्जी से उगेगी, जहां उसका मन होगा वहां उगेगी, और 14 दिन बाद गायब हो जाएगी, आप ढूंढते रह जाएंगे. एक चीज तो पक्की हो गई, थैंक्स टू मन्नू भैया आज कश्मीरी खाना बनेगा. मजे की बात यह है कि गुच्छी एक जगह पे दूसरी बार नहीं उगती, और इसका पाइन ट्रीज, जो देवदार के वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ों के साथ कनेक्शन होता है. पाइन ट्रीज के कोनों में ही मिलती है, और दे नेवर ग्रो सिंगुलरली, हमेशा एक साथ उगती है. शायद इसीलिए कहीं इसका नाम गुच्छी पड़ गया, और इट स्टेड एज गुच्छी. द साइंटिफिक नेम इज मोर्चेला, जहाँ से इंग्लिश नेम आता है मॉरल्स. लगभग 10 से 12 दिन इसकी लाइफ होती है, मैक्सिमम 2 वीक. तो जो मॉरल ढूंढने वाले होते हैं ना, वो घर से निकलते हैं, जंगलों में जाते हैं, और वो स्पॉट कर लेते हैं कि भाई देखो, ये वाली अभी 2 दिन पुरानी है, 10 दिन बाद मुझे यहाँ आना है, और यहाँ पे एक गुच्छी जो बड़ी हो गई होगी, और किसी और फराजर ने 9वें दिन उसको निकाल लिया, तो दिल कितना टूटता हो. एंड दैट इज व्हाई इट इज सो प्राइस, बिकॉज इट हैज अ लेबर ऑफ लव, एंड इट ऑल्सो हैज द पेन व्हेन इट गोज. गुच्छी में ना मिट्टी बहुत होती है, इसके लिए इसको 3-4 पानी बदल के अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुंह में रेता रेता आएगा, और मनु भाई बोलेंगे अच्छा ये है 30,000 रुपए किलो की चीज. ऑलराइट, कुछ चीजें जो है वो दिस इज देयर ओनली एक्सपीरियंशियल, वो बयां करना बड़ा मुश्किल है. सेब के बागान के बीच में वो जो सेब का ढेर लगता है, वो बातों में बयां नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. या जब आप डल लेक में शिकारे में बैठ के हाथ पानी में डालते हैं, वो बयां नहीं किया जा सकता. या जब आप इसी कश्मीरी खाने की खुशबू लेते हैं, वो बयां नहीं की जा सकती. या जब आप पहली बार गुच्छी को उगते हुए देखते हैं, इनएक्सप्लिकेबल. चलो जी, गुच्छी को अच्छे से रख के सुखा देता हूँ. गुच्छी को भुनना है ना, तो अगर पानी रह जाएगा तो तेल चिट 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 करेगा. राइस को सोक कर लेते हैं.
और अब मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट देसी घी. नाइस. तेज पत्ता, चक्री फूल, लौंग. अरे गया लौंग, चक्री फूल, तेज पत्ता तेल में. ओहो, घी को तेल कैसे बोल देता हूँ बार बार. घी देव नाराज हो जाएंगे. एंड मॉरल्स, गुच्छी. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. घी में जब तक गुच्छी भुनेगी नहीं तब तक उसका फ्लेवर नहीं आएगा. थोड़ी सी हींग. अच्छा, थोड़ी हल्दी, मिर्ची और बिल्कुल हल्का सा भूनना है इसको. नाइस. चावल भूनने से पहले थोड़ा घी और डाल देता हूँ. परफेक्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर द राइस. अच्छा, चावल का घी में भुनना बहुत ज़रूरी है, वरना पुलाव नहीं होगा. पुलाव का मतलब ही है जब चावल भुना गया. पुलाव जो है वो पालाव के नाम से पर्शिया में शुरू हुआ, एंड पर्शिया वॉज लाइक द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एट वन पॉइंट इन टाइम. जब तक चावल ब्राउन नहीं हो जाता था उसको गोश्त के साथ भूनते रहते थे और उसका पालाव बनाते थे. वही पालाव जो है टर्की के रास्ते ग्रीस पहुँचा और वहाँ पर पिलाफ बन गया, और हिंदुस्तान आया, वहाँ पर पुलाव बन गया. हिंदुस्तान सबसे पहले वो ऑब्वियसली कश्मीर आया होगा, बिकॉज द ट्रेड रूट केम इन टू कश्मीर, पास थ्रू कश्मीर. इसलिए अभी भी कश्मीर में चावल को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट. किसी भी कश्मीरी आंटी से पूछो तो ये कहते हैं, चावल को घी में भून जरूर लेना. Now we'll add the water. नमक. एक्चुअली क्या होता है, चावल को भूनते हैं ना, चावल पानी छोड़ता है, खुश्क होता है, और सडनली वो बहुत सारे फ्लेवर्स लेने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो अभी चावल को खुश किया, उसके बाद सारे फ्लेवर्स उसने खींच ली. चलो जी, ढक्कन लगा दें. अरे भैया, निकाली है. और क्या, चलिए लाइए. हम आपकी 30,000 रुपए किलो वाली गुच्छी. हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस.